Of course, no introduction needed here. How are you, sir? Media, you can please. We have the final guest. Stephen Pugal. Please call Stephen quickly. मैं बहुत अगर रिकॉर्ड भी हो रहा तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा थैंक्स और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई रूबी भाई का, जिनको मैंने बहुत परेशान कर दिया, हक से किया. एंड द बिग बॉस मैं कह नहीं सकता, लेकिन फॉर हिम टू बी हियर टुडे इज अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस. एंड आई मैं इनके बारे में क्या कहूँ, छोटा मुँह बड़ी बात है. अनु मलिक इज़ वन नेम ऑफ इंडस्ट्री जो उससे बचकर नहीं चल सकते. तो आज ये लोग यहाँ पर, इनके हाथों से हमारे पिताजी का ट्रिब्यूट हो रहा है. प्रतिभा ने बहुत खूब गाया है. सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू टू बी हियर टुनाइट. एंड इट इज़ गोइंग टू बी स्टीफन जी को बुला लें जिन्होंने प्रोग्रामिंग किया, स्टीफन दिवासी, ताकि एक फोटोग्राफी आ जाए. ट्रैफिक काफ़ी लगा तो यहाँ तो घर से निकलता नहीं. तो आपका सामने से तो डियरेस्ट ब्रदर मोइन जी विद अस फॉर द लॉन्च ऑल्सो हियर. स्टीफन दिवासी जी, प्रतिभा जी, रूबी भाई एंड द सुप्रीमो अनु जी टू बी हियर टुनाइट. आप लोगों से गुजारिश है कि आप अंदर चलें और हम लोग लॉन्च की तरफ आगे बढ़ते हैं. हैं प्रतिभा जी, चलें, आइए, बाइट्स ले लीजिए. हां, बाइट खत्म कर दो रूबी भाई. जी हां, ले लीजिए, ले लीजिए, शांति दीपक, आप आदिन पकड़, आदिल न्यूज अलर्ट को, आदिल आदिल आवाज आवाज हट रहा है, न्यूज अलर्ट बंद चालू कर ऊपर. हाँ, ऊपर कर दे, सबसे ऊपर पहले नीचे कर. हाँ, सबसे नीचे कर, फिर ऊपर कर. ओके डन, ठीक है ठीक है. हाँ, रुको, ऊपर ले लेना. प्रतिभा जी कहाँ गई? प्लीज यहाँ आइए आप, खड़े हो जाओ. ये आपका गाना है, हमारा नहीं. आदि लागे बूम आगे सर. देखिए, मैं अपने गाना तो सुना नहीं, सुनना चाहता हूँ. उसमें बहुत से रीजंस हैं. एक तो संदीप जी जो हमारे बगल में खड़े हैं, इनसे मुलाकात हुई थी रूमी भाई के घर पर, और जब मैंने इनकी कला देखी तो मैं चकित रह गया. इतना गुणी इंसान, इतना सच्चा मतलब कलाकार. और जब रूमी भाई का फ़ोन आया, मेरा शो चल रहा है सारेगामा पारेल जैम्स, उसकी शूटिंग चल रही फिर अभी, और वहाँ से इन्होंने कहा भाई आज इनका पिता का गाना रिलीज हुआ. अब ये बहुत बड़ी बात होती है, इमोशनल कनेक्शन होता है कि एक बच्चा अपने पिता के लिए उन्हीं का बनाया हुआ गाना फिर से री रिकॉर्ड करते हैं, उसको स्टीफन अरेंज करते हैं जो एक बहुत ही गुणी साउंड डिज़ाइनर है, और स्टीफन के साथ मैं काम कर चुका हूँ और बहुत बढ़िया काम करते हैं, और प्रतिभा जी ने उसका तो आवाज़ दी है. मैं सुनना चाहता हूँ, बेताब इसलिए हूँ क्योंकि जब मैं आ रहा था रूबी भाई मुझे कुछ बातें ऐसी ऐसी बातें बताई कि कितने गुणी कलाकार थे इनके पिताजी, और वही गाना आज फिर से सारी दुनिया के सामने पेश होगा. मैं इसलिए आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ. वैसे भी मैं टैलेंट को इनक्रेज करता हूँ, मुझे बड़ा शौक है नए नए टैलेंट को इनक्रेज करना. संदीप को मिला तो उनकी कला देखकर मैं एक्चुअली ये सोचता था कि कंपैरिजन तो नहीं होना चाहिए, पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित जी, गोपी जी, सितारा आंटी, सितारा देवी जी, कोई ऐसा कोई कलाकार मिलेगा हमें जो ऐसा नृत्य करके बताए. अब मेरी नज़र पर पड़ी और ये सब हुआ रूमी भाई की वजह से. रूमी जाफरी साहब मेरी जिंदगी है, उन्होंने अगर कहा
क्या चलना है, तो फिर मैं दौड़ के आया और अब मैं गाना सुनूंगा। और मेरा दिल कहता है जिस हिसाब से इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया और जिस कॉन्फिडेंस के साथ प्रतिभा जी खड़ी हैं और स्टीफन जब यहाँ है तो ये गाना बड़ा कमाल होगा। और हमारी दुआएं हैं कि गाना बहुत चले। अब दीदी के बारे में क्या कहना है, सूरज को दिया जरा आप दिखाना चाहते हैं, दीदी जैसी ना थी ना है और ना होंगी, कोई कंपैरिजन है ही नहीं, तो वो सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। बिल्कुल लता मंगेशकर जैसी कलाकारा इस दुनिया में फिर तो नहीं आएंगी। कोई कहता है हजारों साल में नहीं आएगा, मैं कहता हूँ आ ही नहीं सकती, हजारों साल हो या करोड़ों साल हो लता मंगेशकर जैसी कलाकारा फिर नहीं आएंगी। और मैं संदीप जी को एक्चुअली मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बड़ा ख्याल किया कि मैं अपने पिता का गाना रिलीज करूँ। ये यहाँ नज़र आता है मोहब्बत, जैसे हम अपने पिता श्री सरदार मलिक साहब को याद करते हैं और उन्हीं का दिया हुआ है जिससे हम मन्नू मलिक बने, तो मुझे ये भी एक जज्बा आपका बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये जो लड़के खड़े हैं स्टीफन, ये बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत सच्चे इंसान है, बहुत टैलेंटेड इंसान है। और मैं अब गाना सुनना चाहूँ, रूबी भाई आप भी दो शब्द कह दीजिए। शब्द क्या बोलिए, जो भी गाना सुनने आया हूँ बस ये है कि हाँ थोड़ा बहुत अच्छे गुणी लोगों के साथ रह के म्यूजिक का शौक है अच्छा सुनने का। तो अन्नू के साथ तो मैं कितने साल हो, 30 साल से हम लोग काम कर रहे थे, 33 साल जुड़वा हर दिल जो प्यार करेगा, बीवी नंबर वन, हसीना मांझे की सारी फिल्म जो है कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम तो हमेशा अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसा काम करें हम लोग मिलते वो अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बड़ा चीज़ है। हाँ लेकिन ये है कि हाँ मैं मुबारकबाद दूंगा संदीप को, इनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ही ज़हीन टैलेंटेड और मोहब्बत वाले इंसान हैं, गुणी इंसान है क्योंकि गुणी बाप के बेटे हैं। और ख़ास तौर से कोई भी ऐसा बच्चा जो ये चाहता है कि अपने फादर अपने वालिद अपने बाप का कोई काम को आगे बढ़ाए, मैं उसे नसीब वाला भी मानता हूँ, अच्छा इंसान भी मानता हूँ, उससे पता लगता है कि वो किस तरह का इंसान है। आज जब अपने फादर का गाना रिलीज़ कर रहे हैं इसकी इनको मुबारकबाद दूंगा और चाहूँगा इनके बच्चे भी ऐसे ही। Your husband did some marvelous work. We had such great fun. Yeah, he's spoken to me well. With you, I'm in your heart. Hi. Pratibha. It's okay. No, no. Here, here. आप कबाब में हड्डी नहीं है, आप जिंदगी हमारी, आप बीच में अजीज हैं। अच्छा अब ये शेर व शायरी शुरू हो जाएगी, आप बीच में अजीज हैं। चलिए शुरू करिए प्लीज बैठ जाइए। नीरज भाई माय रिकॉर्डिस्ट, प्रोजेक्ट बंद कर दो, चंदन जी, यामिनी दीदी, ओके थैंक यू, इतने लोग आएंगे, दीदी कहाँ है, यामिनी दीदी और आई है पीछे।
Super. All the best. I would like ये पकड़ो आप माइक दो बेटा ये देखिए कुत्ता भी ये आप एक प्लीज दीदी आइए हाथ लगाइए मेरे तो भाई को हाथ लगा रहा है मैं हूँ साथ में करंट पास हो रहा है करंट संदीप जी ने माइक मुझे दिया है तो चंद शब्द कहने के लिए सबसे पहले कंग्रेचुलेशन संदीप आपने सुपरवाइज किया इसको और पहली बार मैंने ये गजल सुनी है और कमाल का कंपोजिशन है क्या कंपोजिशन है महावीर जी की जितनी तारीफ की जाए कम होगी और ये बड़ा अच्छा ख्याल जो मैंने वीडियो देखा कमाल का आइडिया आया कि बेटी देख नहीं सकती और माँ अपनी आंखें कुर्बान कर देती है और ये माँ ही कर सकती है कोई दुनिया में ऐसी माँ मतलब मैं इतना इमोशनल हो गया वीडियो देखकर एक्चुअली और जो प्रतिभा ने गाया है कितना महसूस करके बोलों को शब्दों को लिखा भी कमाल है और स्टीफन ने जो कॉम्पोजिशन को निखारा है इन टर्म्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन वो कमाल काम किया है आई एक्सपेक्टेड इट टू बी वेरी नाइस जब आ रहा लेकिन जब मैं वीडियो देखता जा रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि एक सिंगल को आपने एक फिल्म बना दिया ये पूरी फिल्म बनी है और कुछ मिनटों में आपने एक कहानी बता दी जिसमें आउटस्टैंडिंग सिंगिंग हुई है आपकी प्रतिभा जी और यहाँ अगर अभी आपने मैं बगल में बैठा था तलत भाई साथ में वो बड़े मजे ले रहे थे और जो सम आ रहा था तो अपने उनका हाथ चल रहा था आप तलत भाई आप नहीं हाथ पर मिलाइए गले मिले आप बहुत बड़े प्यारे इंसान है ये और बहुत सुरीले हैं और जब ये कर रहे थे ना ये जो तो मुझे लगा कि ये गाना देखिए गजल को समझना बनाना अलग बात होती है लेकिन जब गाना जो तलत भाई ने ऐसे से गाने गाए खयाम साहब के तो वो जब एंजॉय करने लगे तो मुझे लगा ये चीज कोई कहीं और जा रही है मैं बड़ा मानता हूँ इनको बहुत ही हुनर ग्रेट सिंगर है और फिर मैं रूमी भाई को देख रहा था रूमी भाई ऑल्सो वॉज एंजॉइंग और मुझे लगा कि हम सही जगह पर आए हैं सही लोगों के बीच में बैठे हैं और बड़े ऊंचे कलाकारों के बीच में बैठे हैं उनमें से एक है हमारे संदीप भाई जिनकी मैंने नृत्य देखी है मुझे रूबी भाई ने जब मिलाया था इनसे तो मैं तो हैरान परेशान हो गया था कि ऐसा भी इंसान अपनी दुनिया में अभी भी है जो इतनी बोलियां जानता है एक जगह खड़े होकर इतनी बोलियां बोलना उस दिन तो हम लोग दीवाने हो गए थे और आज मैं प्रतिभा को सुना स्टीफन का काम देखा ये जरूर सबके दिल को छुएगी और मैं अपने आप खुश नसीब मानता हूँ कि आपने मुझे याद किया इसको लॉन्च करने के लिए थैंक यू रूमी भाई कि आपने मुझे बुलाया हमारे मगरानी जी भी यहाँ हैं लेकिन बेटा याद रखना तलत भाई का संपर्क लाना ये छोटी बात नहीं है रिमा भैया वैसे ही देख सकते थे आते ही मैंने उनसे पूछा खयाम साहब की बड़ी याद आ रही थी मुझे कह रहे थे वो इतना इंजॉय कर गए कि मुझे लगा कि गाना यहीं से निकल गया हाँ तो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रतिभा जी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड रूमी भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने मुझे याद किया कि इधर ऐसे ऐसे ऐसी जगह आप लेके आए जहाँ मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा किया आकर बहुत अच्छे नोट सुने मतलब मुबारकबाद तो मैं दे चुका हूँ फिर दूंगा संदीप को कि तुमने इतना और अभी सुन के सचमुच जो है ना मुझे बहुत नॉलेज नहीं है लेकिन कुछ ऐसे सुर थे कुछ कंपोजिशन ऐसी थी तलत भाई ब्रदर्स जिसमें मुझको अंदर से जो है ना एक अंदर मतलब दिल में कुछ अजीब सा फील हो रहा था जिस तरह की कुछ मतलब होता है ना जैसे बोलते हैं कि मुर्गियाँ बोलते हैं क्या बोलते हैं डिफिकल्ट है आसान नहीं था मतलब मैं ये सुन रहा था कि आसान गाना नहीं है लिखने में भी और गाने में भी कंपोजिशन में भी तो वो पूरा महसूस हुआ तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ा खूबसूरत गाना है और कि बहुत कामयाब हो और मैं अन्नू का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अन्नू को सिर्फ बोला
क्योंकि बोनी साहब हाँ चेन्नई में अटक गए कि अन्नु तुम्हें चलना है, और आप यकीन जानो दूसरा फोन अन्नू का सामने से आया कि चलना है। क्या बात। और सबसे बड़ी बात एक और बता दूं मैं, क्योंकि यहाँ कम लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, इनकी जो खूबसूरत प्यारी मेरी जो भतीजियाँ हैं दोनों, वो इतनी प्यारी हैं, जब मैंने इनको फ़ोन किया तो इनको अनमोल ने बोला कि पापा आपने रूमी अंकल को ये कैसे बोला कि मैं बताता हूँ, आप बोलो जा रहा हूँ। तो मैं उस बच्ची को भी शुक्रिया अदा बोला मैं बोलना चाहता हूँ, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि तलत भाई कुछ बोले, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ कि जो 1 2 3 संपर हाथ आ रहा था कौन सी चीजें कमाल लग रही थी आपको। मैं बस ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि बहुत ही जमाने के बाद एक खूबसूरत और एक गजल की जो रूह होती है वो नजर आ रही है। रूह को दिखाना पर्दे पर आसान काम नहीं है, और गज़ल इतनी एक ऐसी शय है कि वो बशीर बदर साहब कहते हैं ना कि आहिस्ता गज़ल पढ़ना, आहिस्ता गज़ल पढ़ना, ये रेशमी लहजा है, तितली की कहानी है, खुशबू की जबानी है, तो आप इसको इसके इसमें डिफाइन कर सकते हैं। और इतनी खूबसूरत और प्रतिभा माशाल्लाह, इतना अच्छा गाती भी हैं, ये गाने के अलावा ये इनमें एक गज़ल गाने के लिए एक रूह चाहिए होती है, रूहदार अगर गाना नहीं होना तो गज़ल तो ऊपर से सरसरी गा देते हैं लोग, तो ये गाती भी हैं और ये अंदर से गाती हैं और सुर को देखती हैं माशाल्लाह। और हम यही दुआ करते हैं कि ये और तरक्की करते रहें, और ये छोटी बच्ची ये इतना खूबसूरत माँ पर, आप अनु आपको बताऊँगा, मुझे अचानक एक ऐसा एक शेर याद आया कि ज़रा याद करता हूँ। नील गगन पर सुनते हैं तो कुदरत रहती है, नील गगन पर सुनते तो हैं कुदरत रहती है, लेकिन माँ के पांव के नीचे जन्नत रहती है, नील गगन पर। ये अचानक याद आया, और ये इतनी आपके पिताजी वालिद साहब की खूबसूरत कंपोजिशन, मतलब जिस तरीके से उन्होंने, मैं वो टेक्निकलिटीज में जाऊँगा नहीं, लेकिन रूह में जाऊँगा। थैंक यू। इज अनिल हियर? या एंड आई वुड जी जी क्या बात। चलो भाई कमाल आपने बात सुनाई। आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग फॉर स्टीफन। ओके, सो स्टीफन मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, to produce a ghazal, absolutely, to produce a tune which is ghazal formation and to keep it alive, absolutely, with a sound production which is completely now, I think jitni taaliyan bajni chahiye Stephen ke liye kam hai, I think that's an amazing production, amazing, keeping the full ghazal in mind. Main us par aane hi wala tha lekin aapne acha kiya. Main chahunga of course हमारे दो पिलर पीछे खड़े हैं चुपके, नीरज जी हमारे रिकॉर्डिस्ट और अनिल हु शॉट द वीडियो, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू अनिल एंड नीरज जी। आई वुड लाइक स्टीफन भाई टू से फ्यू वर्ड्स प्लीज। आई थिंक यू हैव हर्ड इट। आई वांटेड टू टच इट वेरी फ्रजाइल बिकॉज़ द होल द सॉन्ग हैज ऑलरेडी स्पोकन एंड आई हैव जस्ट गिवन द फ्रैगमेंट्स ऑफ व्हाट इट इट नीड एंड द टेक्नोलॉजी द साउंड इज न्यू एंड वी हैव टू ऑब्वियसली फॉलो द ट्रेंड सो आई हैव जस्ट गिव लिटिल just fragments. No, you don't follow a trend, you set a trend. Thank you. Never follow a trend, set your own trend. Thank you. In which you have done. Thank you. And I have to sincerely thanks once again Sandeep ji, and just because of him I have got this opportunity to know the composer, the great K. Mahavir ji, Guruji ka composition. It was my blessing that I got this opportunity. Thank you. Fantastic, Sandeep. मैं चाहूँगा कि हमारे बहुत अच्छे कलाकार चंदन भाई हैं। हमारे जीजा जी हैं भाई। अच्छा नहीं, आपके जीजा जी हैं, लेकिन ये अपनी जात में खुद बहुत अच्छे फनकार हैं। आइए, गजल के आइए चंदन। और उनकी
शरीक है यार यामिनी उनको मत भूलिए जी 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 महावीर जी के लिए मैं क्या बोलूं, मैं जब भी मैं उनको सुनता था रेडियो में अक्सर मैं यामिनी से मैं पूछा करता था कि भाई किसकी ये कंपोजिशन है लता जी के गाई हुई, और मैं हमेशा विद भारती से मैं सुना करता था और कभी सोचता था कि कभी मुलाकात होगी। तो एक प्रोग्राम में उनसे मुलाकात हुई पटना में और उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी, बोले बेटा कभी आओ बॉम्बे मैं मिलूँगा। और फिर आज जो एल्बम हमने सुना है इसमें संदीप जी ने जो कंपोज किया है वो लाजवाब कंपोजिशन है। अच्छा, तो और जो प्रतिभा ने जो गाई है वो बहुत ही खूबसूरत, कलाम भी बहुत लाजवाब है। मैं इस एल्बम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू प्रतिभा। सबसे पहले तो आपने बहुत ही अच्छे उनके कॉम्पोजिशंस गाई हैं जो कि आसान काम नहीं है, और मेरी खुशनसीब भी है कि मैंने एक बार उनको सामने से बैठ के सुना था, और जब उन्होंने गाया कि तन्हाई वाला जो गाना है, मेरी तन्हाई नहीं नहीं वो दूसरा, तो जब बन गया आज वो साथी मेरी तन्हाई के, तो मैंने वो जो खत तूने, तो मैंने बाकायदा तन्हाई को देखा था। तो उनकी कॉम्पोजिशन गाना आसान काम नहीं है पर आपने किया, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फैमिली दैट आई एम पार्ट ऑफ इट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ संदीप राजीव। मैं ये बता दूँ जिनको नहीं पता हो कि हम फर्स्ट कज़न हैं, यामिनी दीदी द वन एंड ओनली मेरे ताऊ जी के पन्नालाल जी की बेटी हैं, हम उस परिवार से हैं। मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और एक चीज़ बिफोर आई वाइंड अप आई वांट टू डू फॉर ऑल द डिग्निटी स्टैंडिंग हियर, सो आई एम गोइंग टू जस्ट टेक टू मिनट्स। संदीप जी बिफोर द सॉन्ग इज कंप्लीटेड आई थिंक ऑलरेडी संदीप जी हैज, आई वांटेड टू सिंसियरली थैंक धीरज सिंह फॉर डूइंग द साउंड मिक्सिंग एंड अनिल सिंह टू शूट इट, द विजन एंड इमोशन। थैंक यू इमोशन एंड आल्सो बीइंग दिस प्रोड्यूसर फर्स्ट टाइम व्हिच आई केम टू मुंबई टू वर्क in Bollywood, even I was working with A.R. Rahman and a lot of other musicians in Anu Malik Ji is the first person to bring me to Bombay, so thank you so much for that wonderful opportunity. Thank you. Ek appreciation of love hai towards Na Poocho and my dad that we want to celebrate and give everybody. To main pehle to hamari jo sabse khoobsurat aur choti aur sabse pehle jisne is gaane ko justify kiya aur गाने की हिम्मत करके गा गई और बड़े पैशन से गाई, तो अनु जी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी प्रतिभा को प्रेजेंट कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। रूबी भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा स्टीफन को आप प्लीज कम इन वन लाइन टू बी नोट, प्लीज गिव अ बिग राउंड फॉर स्टीफन प्लीज प्लीज। और आप हम सब की तरफ से हमारे अनु जी, ये आपके लिए सर, सर रूबी भाई, अरे यार ये कुछ नहीं, आपको आप खोलेंगे तो आपको मजा आएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि मेरे दिल में मैं कोई जाने से पहले बात रखना नहीं चाहता, ये वो भाई हैं जिनके वजह से इवेंट पार भी लगा है और इनको मैंने रातों को बड़ा परेशान किया है, सो लफ्जों में थैंक्स नहीं हो सकता, बट ही या तालियों में मैं रोमी भाई आप ही से कहूँगा कि आप तलत भाई नहीं, ये काम कर रहे हैं, रोमी भाई आप ही दिए ये अंकली में ये बात ये आपके लिए आप ले लो बेटा।
Anu ji to please honor Anil Singh, my DOP. My sound engineer. Thankful that he is here today and he appreciates all of this music. Sir, thank you for coming. Thank you so much for coming. My family, my brother, Aniket Nigam ji. I'm so thankful for him to be here. आने वाले उज्जवल निगम जी थे जो मेरे बड़े भाई एक्चुअली वो इतने हिंदुस्तान को संभालने में बिजी हैं जिनका कोई मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ इंडिया वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर तो वो नहीं आ पाए पर हमारे अनिकेत जी भी वैसे ही ब्राइट लॉयर हैं और आप उनको भी वैसे ही देखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. मैं माइक मिलेगा जरा दो तो थे कहाँ चला दिया भाई पीछे आ जाता हूँ भाई का मैंने कान छुड़वा दिया अभी मेरे हाथ को आना ही है जैसे आप जा रहा हूँ हाँ तो छः छः खींचते हैं छः छः लोग की खींचते हैं मुझे जाना है जल्दी आइए प्रतिभा प्लीज कम राजीव जी आप आइए आइए अटू जी आइए स्टीफन भाई आइए स्टीफन प्लीज कम अनिल एंड आई वांट यू ऑल इन एवरी जरा मोबाइल से भी खींचिए प्लीज रोल कर लेते हैं थोड़ा सा आगे थोड़ा हम लोग ऐसे एक काम करते हैं थोड़ा सा बॉक्स हटा दीजिए बॉक्स हटा दीजिए बॉक्स हटा दीजिए उनको पीछे करो पीछे प्लीज फोटो खींच लीजिए हाँ ये पोस्टर पोस्टर आ रहा है हाँ ये हाथ पर बना थोड़ा पीछे कर दो आदित्य पीछे इनको पीछे आदित्य एकदम जी इनको पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा कम कम रदी बाजू में बीच में या या तो भाई आप यहां आइए ना अरु जी आप बीच में आइए अरे आ जाइए आप अंदर चले जाइए तो जो काम ओके सेट आज ही कहां चलिए मैं आई इधर देखो हां रेडी ठीक है जस्ट अ सेकंड ये लुक एट प्लीज लुक एट लुक एट लुक एट सर मैम थोड़ा सा प्लीज क्लोज आइए जस्ट अ सेकंड नीरज जी इसमें से हां प्लीज बुलाओ प्लीज बुलाओ अनिल आयु है सर मैं आ रहा हूं ओके एक मिनट प्राची प्लीज कम हसीन ये फोटो प्लीज कम मोहिन भाई प्लीज कम कौशल प्लीज कम आदित्य भाई यश आदित्य भाई या एवरीबॉडी कम ये यादगार फोटो है प्लीज खींचिए मोहिन भाई क्या है सर थोड़ा दबाओ फिर आप लोग भी आ जाइएगा अच्छा एक काम करो ना अलग अलग लेना इस पूरे इसके बाद लेंगे आ जाएंगे जो बैठ जाएंगे प्लीज परफेक्ट सर परफेक्ट हाँ खींचिए थोड़ा सा एक और 50 ग्राम मैं तो जा रहा हूँ आइए आखिरी फ्रेम तक आप है हमारे साथ हेलो हेलो के प्लीज मेरा आखिरी नहीं नहीं यस प्लीज थोड़ा पीछे ही सर सर थोड़ा पीछे ऊपर चलेगा.